तो गाइस आप लोगों की जो सबसे ज्यादा डिमांड आ रही थी वो ये थी कि आप लोगों को एक ऐसा काम चाहिए जो डेटा एंट्री का काम हो, और जो मैंने अभी लास्ट ओपिनियन करवाया था उसमें पूछा भी था, तो आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आए थे कि आपको डेटा एंट्री का काम चाहिए। अब डेटा एंट्री के काम के लिए आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज देखी हुई है, अलग अलग तरीके की डेटा एंट्री के बारे में बताया जाता है, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है जहां पर आपको जेन्युइन कंपनी की तरफ से डेटा एंट्री का काम मिल सके। ऐसे आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाती हैं जो बताती है कि आप डेटा एंट्री का काम करें तो वहां पे आपको इस तरह से अर्निंग होगी, लेकिन आज मैं जिस कंपनी के बारे में आपको बताने वाला हूं वो 100% जेन्युइन है। अब क्योंकि देखिए ये कंपनी की तरफ से डायरेक्ट जॉब निकली हुई है, और जो कंपनी है वो जैसे मैंने बताया कि 100% जेन्युइन है और काफी ट्रस्टेबल है। अभी रिसेंटली यहाँ पर बहुत लोगों की जो है हायरिंग हो चुकी है, अब मौका आपके पास है, क्योंकि अलग अलग जोन में यहाँ पे जो है हायरिंग होती रहती है, लेकिन अभी जो हायरिंग हो रही है वो हो रही है डेटा एंट्री की। और यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैं एक साथ दो जॉब्स के बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा डेटा एंट्री के ऊपर, क्योंकि आप लोगों की भी डिमांड होती है कि सर हमें डेटा एंट्री का काम चाहिए, क्योंकि वो सबसे सिंपल होता है, वहां पर ज्यादा हाई स्किल्स की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ अगर आपको टाइपिंग आती है तो आप इजिली डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं, क्योंकि डेटा एंट्री में आपको सिंपली एक चीज को देखना होता है, उसको एंट्री करनी होती है अपने पीसी लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर, जिसे हम डेटा एंट्री कहते हैं। अभी मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए सीधे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके जाऊंगा, इस जॉब के बारे में पूरी डिटेल्स में बताऊंगा, साथ ही साथ इससे अगली जो जॉब है उसके बारे में भी मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, ताकि आप दोनों जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकें। यार देखो, जहां भी जॉब करने का मौका मिले आप अप्लाई जरूर कीजिए, ये मत सोचिए कि यार मैं ये नहीं कर पाऊंगा पाऊंगी या फिर ये मुझे नहीं आता, ये आपको नहीं सोचना है, क्योंकि जॉब मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और अगर आपको कहीं मौका मिल रहा है तो आपको अप्लाई जरूर करना है, कि जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे आपकी चांसेस जो होते हैं जॉब मिलने के वो बहुत ही लो हो जाते हैं, तो इसलिए आपको अप्लाई जरूर करना है। अब हम बिना टाइम वेस्ट के सीधे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पहली बार आए, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, आप उस वीडियो को सबसे पहले देखें, सबसे पहले अप्लाई करें। और साथ ही साथ आप लोगों की डिमांड पर अब हम इस चैनल पर गिववे स्टार्ट कर रहे हैं। जी हाँ गाइस, अगर आप भी चाहते हैं कि हम गिववे स्टार्ट करें डेली के, हम विनर्स अनाउंस करें, जो कि मैं यहाँ पर डेली के जो विनर्स हैं वो 3 विनर्स अनाउंस करने वाला हूँ, तो आप मुझे बताइएगा कि क्या 3 विनर्स सही हैं और उनका अमाउंट कितना होना चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, अगर आप ये गिववे चाहते हैं जो कि डेली के डेली हमारे वीडियो में होगा, तो मैं आपकी राय जरूर जानना चाहता हूँ, प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम ये गिववे का प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट कर सके, और आप लोगों को वीडियो देख के कुछ ना कुछ तो फायदा जरूर। अब हम बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पर और समझते हैं पूरा प्रोसेस, तो चले चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो गाइस देखिए, अब आ चुके हैं आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में 2 जॉब्स के मिलते हैं, और आपको दोनों जॉब के लिए अप्लाई जरूर करना है, लेकिन आज स्पेशली मैं जिस जॉब के बारे में बताने वाला हूँ वो लिंक आपको सबसे पहले मिलेगा, यानी कि वो जो लिंक पहला वाला है, जब आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको देखिए इस तरह का इंटरफेस आपको मिल जाएगा। आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि डेटा एंट्री का काम लेके आइए जो कि जेन्युइन कंपनी का हो, तो यहाँ पर देखिए डेटा एंट्री आपको काम मिल रहा है, रिमोट है, यानी कि वर्क फ्रॉम होम है, और आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हो आप इस जॉब को कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए डेटा एंट्री सेल्स लिखा हुआ है, लेकिन सेल्स से आपको ये नहीं समझना कि आपको यहाँ पर कोई चीज़ सेल करनी है, सेल्स का मतलब है कि सेल्स डिपार्टमेंट से है। अब यहाँ पर एम्बर कैरियर्स की तरफ से जो भी सेल्स होती हैं उनका आपको एंट्री करनी होती है अपने पीसी कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर, जिसे हम डेटा एंट्री कहते हैं। तो बेसिकली आपका काम यही होने वाला है कि जो भी उनकी सेल्स की रिकॉर्ड्स होते हैं, जो भी एंट्रीज होती हैं, वो आपको पीसी लैपटॉप में एंटर करना होगा, उनको डेटा को सेव करना होता है, ये यहाँ पर आपका काम होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये एक रिमोट काम है और ये एक इंटर्नशिप पर है, तो यहाँ पर आपकी इंटर्नशिप होने वाली है, और हम बात करते हैं यहाँ पर सिलेक्टेड इंटर्नशिप डे बाय डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड्स क्या क्या यहाँ पर होने वाली हैं। सबसे पहले तो प्रोसेसिंग द ऑलरेडी कन्वर्टेड बुकिंग ऑनलाइन ऑन डिफरेंट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, अपडेटिंग द बुकिंग डिटेल्स ऑन एम्बर स्टूडेंट प्लेटफॉर्म फॉर इंटरनल यूज, यानी कि जो भी यहाँ पर आपके पास अपडेट होनी है बुकिंग की डिटेल्स, वो आपको एम्बर स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म के अंदर आपको एंटर करनी होती है। अभी देखिए एम्बर क्या है, अगर आप नहीं जानते तो आप गूगल पर सर्च कीजिएगा, ये भी एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो एंट्री करते हैं, यानी कि उनको कोई कोर्स चाहिए होता है तो यहाँ पर वो अप्लाई करते हैं।
अब बेसिकली आपका काम क्या है कि जो यहाँ पे ऑलरेडी जो कोर्सेज ले चुके हैं, जो भी स्टूडेंट्स कोर्सेज ले चुके हैं यानी कि सेल आउट हो चुके हैं, आपको उनकी जो भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आपको पीसी लैपटॉप पे एंटर करनी होती है। टेक केयर ऑफ सेल्स रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, यानी कि जो भी सेल्स रिलेटेड जो भी यहाँ पर आपके पास टास्क होंगे वो आपको कंप्लीट करने होंगे। ओनली दोज कैंडिडेट्स कैन अप्लाई हु, अब यहाँ पर देखिए कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले तो फर्स्ट आर अवेलेबल फॉर द वर्क फ्रॉम होम जॉब इंटर्नशिप, यानी कि जो घर बैठे काम करना चाहते हैं वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, आर अवेलेबल फॉर ड्यूरेशन ऑफ 3 months, यानी कि कम से कम 3 महीने के लिए उनको यहाँ पे अवेलेबल रहना पड़ेगा, यानी 3 महीने तो कम से कम काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 1 महीने काम करेंगे उसके बाद छोड़ देंगे, नहीं, आपको क्योंकि ये इंटर्नशिप है तो यहाँ पे कम से कम 3 महीना आपको काम करना पड़ता है। हैव रेवलेंट स्किल्स एंड इंटरेस्ट, यानी कि आपको जो है इस काम में इंटरेस्ट भी होना चाहिए, स्किल्स भी होनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए अगर वीमेन है वेटिंग टू स्टार्ट रीस्टार्ट देर कैरियर कैन ऑल्सो अप्लाई, यानी कि अगर आप एक महिला हैं और अगर आपने काम छोड़ रखा है, आप हाउसवाइफ्स हैं और चाहती हैं कि अपने करियर को दोबारा से स्टार्ट करना, तो भी आप यहाँ पे आप अप्लाई कर सकती हैं। अदर रिक्वायरमेंट्स क्या है कि शुड हैव प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन एंड लैपटॉप, अब ये मैंडेटरी है कि आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन और लैपटॉप होना ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी की तरफ से आपको लैपटॉप नहीं मिलेगा। अगर आपके पास लैपटॉप पीसी है तो फिर प्लस पॉइंट है, अगर नहीं है तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे लिख देना है रेंट, पहले यहाँ पे आपको लिख देना है लैपटॉप ऑन रेंट, ऐसा आप लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए वेबसाइट्स आ जाती हैं। अब किसी भी वेबसाइट्स पे आप क्लिक कर उसको ओपन कर लीजिए और वहाँ से आप लैपटॉप देख सकते हैं कि आपको कितने का लैपटॉप मिल सकता है, क्या उसकी कॉन्फ़िगरेशन होने वाली है। आपको खुद के लिए चाहिए, बिजनेस के लिए चाहिए, तो आप खुद का करिए, नाम डाल दीजिए, ईमेल डाल दीजिए, मोबाइल नंबर, लुकिंग फॉर लैपटॉप डाल दीजिए, एक डाल दीजिए और सबमिट कर दीजिए। तो यहाँ से आपके पास कॉल आएगी, आपको बताएंगे किस तरह का यहाँ पे लैपटॉप आपको मिलने वाला है, क्या उसका जो है प्राइस होने वाला है, यानी कि कितना महीने पे आपको मिलने वाला है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखिए जो आपको लैपटॉप किराए पे मिल जाएगा वो लगभग आपको 2 से 3 हज़ार रुपये मंथली बेसिस पे आपको मिल जाएगा, तो बहुत अच्छा है अगर आपको 2 से 3 हज़ार रुपये का लैपटॉप मिल रहा है जिसमें कि आप सीख भी सकते हैं काम करना, साथ में साथ आप काम भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग वेबसाइट्स हैं, आप किसी भी वेबसाइट पर जाके अलग अलग वेबसाइट से आप ट्राई कर सकते हैं, जो आपको लगे बेस्ट है वहाँ से आप रेंट पर ले सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको सिंपली अप्लाई करना है, यानी कि लैपटॉप ले लेना है। आप देखिए अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, इस अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। सबसे पहले लिखा हुआ है अप्लाई विथ रिज्यूम, यानी कि यहाँ पर आपको अप्लाई करना है रिज्यूम के साथ। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे आपके पीसी लैपटॉप में जो भी रिज्यूम होगा उसको आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। ध्यान रखिएगा जो आपका रेज्यूमे हो वो अपडेटेड होना चाहिए, इसका हमेशा आप ध्यान रखिए। ये नहीं कि आपने बहुत साल पहले बनाया है उसी को आप कंटिन्यू कर रहे हैं, नहीं, उसमें चेंजेस कीजिए। उसमें डेटा एंट्री अगर आपको नॉलेज नहीं है तो उसमें आप अपनी हॉबीज़ के अंदर डेटा एंट्री डालिए, आप एक्सपीरियंस के अंदर डाल दीजिए कि आप डेटा एंट्री करते हैं, आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है और लास्ट नेम है, तो वो यहाँ पे आपको डाल देना है। मिडिल नेम अगर नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। ईमेल एड्रेस है, यहाँ पे आपको अपना एक जीमेल अकाउंट यानी कि ईमेल एड्रेस डालना है। अब जिन पे स्टार है वो मैंडेटरी है, जिन पे स्टार नहीं है उसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर अगर आप चाहें। अब जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, अब देखिए लिखा हुआ है सोशल नेटवर्क एंड वेब लिंक्स, अगर आपका है तो कोई यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर एजुकेशन है, आपको एजुकेशन पे क्लिक कर यहाँ पर डालना है कि आपने कहाँ तक पढ़ा हुआ है, कौन से स्कूल से पढ़ा हुआ है, कब स्टार्ट हुआ था, कब एंड हुआ था, ग्रेड आपको कौन सी मिली थी, वो यहाँ पे आप ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक कर आपको इस एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। तो जैसे ही एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी आपके जीमेल अकाउंट यानी कि जो आपने यहाँ पे अपना जीमेल अकाउंट डाला होगा उस पर आपको सिंपली यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा, यानी कि आपके पास मेल आ जाएगी। तो इस तरह से आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अब जो दूसरी जॉब है हमारी, उस दूसरी जॉब के लिए आपको लिंक पे क्लिक करना है और ये देखिए है ग्लोबल सेल्स एसोसिएट्स, यानी कि यहाँ पे बेसिकली जो आपका काम होने वाला है वो कंपनी की सेल्स को बढ़ाना है। और यहाँ पे भी काम उसी तरीके का है क्योंकि ये भी जो जॉब है एम्बर की ही है। यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर सर्च करते हैं किसी भी कोर्स के लिए तो आपको उनको कॉल कर कन्वे करना होता है कि वो कोर्स को ले ताकि वो सेल आउट हो सके और आपको वहाँ पर यहाँ पर इंसेंटिव भी मिल सके।
तो इस तरह से यार काफी जेन्युइन यहाँ पे ये काम होने वाला है। अगर आपको सेल्स में इंटरेस्ट है और आप चाहते हैं अपना लाइफ कैरियर बनाना इसके अंदर, तो यहाँ पर आप इस सेल्स की जॉब को कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्किल्स रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, सारी चीजें आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अप्लाई करने का सिंपल सा इसका मेथड भी वही है, अप्लाई पे क्लिक करेंगे सेम वही चीज आपको मिल जाएंगे। आपको इस एप्लीकेशन को भी सबमिट कर देना है, करने के बाद आपके जीमेल एड्रेस पे ही इसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, दोनों पे आप अप्लाई जरूर कीजिएगा क्योंकि 101% जेन्युइन जॉब है। तो अभी से अभी आपको देरी नहीं करनी है, अप्लाई जरूर करना है। थैंक यू गाइस। तो गाइस देखा आपने, यहाँ पर मैंने कोशिश करी कि आपको सारी चीजें डिटेल से बता सकूं। ऐसे ही आपको करना है। अगर आपको लगे कि कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है, कहीं कोई कंफ्यूजन हो, तो यार देखिए कमेंट्स बॉक्स है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा सिंपल मेथड है अप्लाई करने का, अप्लाई आपको कर देना है, साथ ही साथ वेट करना है। अगर आपके पास कंपनी की तरफ से रिवर्ट बैक आता है तो आगे का प्रोसीजर होगा। कोई चार्जेस नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, 100% जेन्युइन है। तो अभी से अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोनों जॉब्स के, अभी से अभी अप्लाई जरूर कीजिएगा। तो मिलता है यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी जॉब रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक अपना अपना प्यारा ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।